सो हाय एवरीवन, मैं हूं एफबीएल एंड स्वागत है आप सभी का फ्रेगिस्तान के एक और नई वीडियो में। एंड वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास फ्रेग्रेंस के बारे में, एक बहुत ही न्यू रिलीज फ्रेग्रेंस के बारे में जो कि है फ्रॉम द हाउस जेपीजी एंड दैट इज जेपीजी लीबू ली परफ्यूम। एंड चलिए आज बात करेंगे इस फ्रेग्रेंस के बारे में, सो बने रही आखिरी तक फ्रेगिस्तान की इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया समर स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप आप सबको ही अच्छे होंगे एंड हैप्पी समर्स। सो आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही जबरदस्त न्यू रिलीज फ्रेग्रेंस के बारे में एंड क्या ही क्लासी इसकी बॉटल है। ये है फ्रॉम द हाउस जेपीजी जॉम्पो गुटियर एंड इस फ्रेग्रेंस का नाम है लीबो ली परफ्यूम। सो लीबो ली परफ्यूम, दिस इज वेरी लेटेस्ट रिलीज। मैं बहुत लेटेस्ट तो नहीं है बट हाँ, दिस इज ऑलमोस्ट ऑल न्यू रिलीज। 2022 के लास्ट में ऑलमोस्ट ऑल आया था एंड अभी रिसेंट मार्केट में इसको आने तक ऑलमोस्ट एक साल हो गया, 6-7 मंथ से बहुत ईजिली अवेलेबल हुआ है। सो दिस इज दी लीबो ली परफ्यूम। लीबो एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस थी, लैवेंडर था, जेपीजी का उसमें टच था, लमोल वाला थोड़ा कोकोनट था, तो वही सेम फ्रेग्रेंस है। कलर भी आप देख सकते होगे, उसका इंटेंस वर्जन है ये। आई गेस ये इसका ओदे परफ्यूम इंटेंस वर्जन है, जैसा कि आपको अल्ट्रा मेल का ओदे परफ्यूम इंटेंस वर्जन मिलता था। सो चलिए आज बात करेंगे इस फ्रेग्रेंस के बारे में। सो सबसे पहले बात करेंगे बॉक्सिंग के बारे में। सो बॉक्सिंग एज इट इज, जैसे बाकी जेपीजी फ्रेग्रेंसेस के बॉक्सेस होते हैं, इसमें टेप लगा हुआ है क्योंकि मैंने फ्रेग्रेंस जब मंगाई थी तो सेलर ने डबल प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने टेप डाल दिया था क्योंकि फ्रेग्रेंस उन्होंने ही अनबॉक्स कर ली थी पहले ही, सो इस वजह से टेप है। बट हाँ, बॉक्सिंग जेपीजी की सारी फ्रेग्रेंसेस की ऐसे ही होती हैं, टिन एल्यूमिनियम के कैन होते हैं एंड फ्रेग्रेंस कुछ ऐसी नीचे से आती है एंड दिस इज बॉक्स, नॉर्मल बॉक्स है। यहाँ पे ब्रांडिंग है जॉम्पो गुटियर लीबो एंड यहाँ पे फ्रेग्रेंस का वेरिएंट लिखा है ली परफ्यूम। नीचे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, दिस इज पूज वेरिएंट मेड इन बार्सिलोना स्पेन यूरोप। सो बार्सिलोना स्पेन से बन के आया हुआ है एंड चलिए बॉक्स को साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में। भाई साहब, बात करने से पहले आपको साथ में अल्ट्रा मेल भी मैं बाहर निकाल लूँ अपना क्योंकि बहुत ही मजा आता है अगल बगल देखने। वाह, सो देखिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। पहले अल्ट्रा मेल ये है, ये भी जेपीजी की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। बॉटल देखिए इसकी कितनी क्लासी हुआ करती थी, अब इस बॉटल को इन्होंने और भी ज्यादा मैस्कुलीन कर दिया है, और भी ज्यादा वेल एज्ड कर दिया है एंड और भी ज्यादा मॉडर्न कर दिया है। सो देखिए ये है पतला दुबला जो जेपीजी, जो अभी जब भी शुरू किया है इसने जिम करना एंड लेटर ऑन आफ्टर 3 ईयर्स उसने कुछ ऐसी जबरदस्त लीन बॉडी बना ली है। जोक्स अपार्ट, सो दिस इज दी बॉटल एंड मैं मजाक नहीं करो, आई एम सीरियसली इन ऑब्सेशन। मतलब भाई प्यार हो गया इस बॉटल से, क्या लुक है, क्या फील है, मैं बता नहीं सकता हूं। मुझे अब तक की अपने पूरे एंटायर कलेक्शन में सबसे ज्यादा पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस की बॉटल यही हो गई है। मैं जितना ही जबरदस्त, जितनी ही क्लासी इस फ्रेग्रेंस की बॉटल की लुक है, उतनी जबरदस्त, उतनी क्लासी इस फ्रेग्रेंस इसके अंदर की फ्रेग्रेंस है। तो फ्रेग्रेंस के पे आएंगे, पहले बॉटल देख लीजिए, नीचे कुछ वेरियंट लिखा है, पीछे देखिए कुछ ऐसा है एंड आगे देखिए यहाँ पे ऐसी कुछ बॉटल है। एंड यार कसम से क्या बॉटल है, एंड ये जो शेडिंग है ऊपर डार्क ग्रीन से होते हुए नीचे लाइट ग्रीन, अंदर का जूस का कलर भी आपको ऑलमोस्ट ऑल ब्लूइश ग्रीन जैसा है। सो बहुत ही जबरदस्त बॉटल है एंड टू बी ऑनेस्ट, बॉटल के मामले में मैं इसको 10 out of 10 रेट करूंगा। सो चलिए फटाफट से इस फ्रेग्रेंस को स्प्रे करते हैं। लॉकर ऐसे ही है जैसे बाकी जेपीजी फ्रेग्रेंसेस में आता है एंड इसका स्प्रे टेस्टिंग करते हैं। सो दिस इज द बर्स्ट, बर्स्ट अच्छा एंड वाओ ऑफ क्या जबरदस्त स्मेल है। सो बेसिकली ये फ्रेग्रेंस 2022 का रिलीज है, ऑलमोस्ट ऑल एक साल कुछ महीने हो चुके हैं बट रिलीज होने के बाद बाद मार्केट में आते आते ऑलमोस्ट ऑल ये ऑफिशियली 6-7 months हुए अच्छे से इस फ्रेग्रेंस को आए हुए। एंड ये फ्रेग्रेंस की बात करूं तो दिस इज स्वीट वुडी एंड आपने अगर इससे पहले लीबो ईडीटी वर्जन ट्राई किया होगा तो इसमें जो इसका खास नोट है पाइनएप्पल प्लस कोकोनट वो तो आपको जरूर से देखने को मिलेगा। तो फ्रेग्रेंस की बात करें तो ओ मैन, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। सो फ्रेग्रेंस है, स्प्रे करते आपको जरा फ्रूटी सी, उसमें जरा सा आपको कोकोनट वाला वो पंच देखने को मिलेगा, जरा सा वुडी वुडीनेस आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने लीबो की कोई पुराने फ्लैंकर्स ट्राई किए होंगे जो ईडीटी थे तो ऑलमोस्ट ऑल सेम स्मेल है, थोड़ा पोटेंट है एंड बहुत ही कोकोनटी फ्रूटी स्वीट सी फ्रेग्रेंस है, इनिशियली कुछ ऐसा है। एंड ये फ्रेग्रेंस अगर मैं इसके नोट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग नोट्स आपको देखने को मिलेगा पाइनएप्पल, आइरिस
एंड जिंजर, एंड तुरंत उसके बाद इसके मिक्स के साथ आपको थोड़ा सा पीछे से स्टार्टिंग में पुश है, लेटर ऑन वो कंप्लीटली खिल के सामने आता है, वो होता है इसका सबसे मेन नोट कोकोनट एंड वुडी नोट, जो इस फ्रेग्रेंस की लीबो सीरीज की पहचान है, कोकोनट वो आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जब धीरे धीरे ड्राई डाउन में चले जाता है तो इसमें आपको मिलेगा सैंडलवुड देखने को मिलेगा, टोंका बीन देखने को मिलेगा, एंड मैंने चेक किया था थोड़ा वुडी नोट्स भी है, एंड फ्रेग्रेंटी का भी दिखा रहा था कि इसमें एम्बर ग्रीस भी है। सो एक बहुत ही अच्छी बात है, ये था कुछ नोट्स ब्रेकडाउन। अब रियलिटी में जब आप इसको स्प्रे करोगे तो कैसा महकेगा, तो जब मैं महक रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली स्वीट फ्रूटी पाइनएप्पल की महक आ रही है, साथ ही साथ क्योंकि इसमें आयरिस है तो खिल के वो खसखसापन जो आयरिस का होता है ना बहुत लाइट सा मुझे महसूस हो रहा है, एंड जो बेस का कोकोनट आपको है, कोकोनट और जो वुडीनेस है ना वो आपको पीछे कहीं ना कहीं 30% रोल प्ले करता हुआ फील आ रहा है। सो बेसिकली महकते ही पाइनएप्पल है, थोड़ा कोकोनट है, थोड़ा सा वुडीनेस है, एंड आपको जरा जरा सा टोंका बीन भी, मुझे जरा जरा सा टोंका बीन भी महक रहा है। वर्साचे एरोस अगर आपने ट्राई किया होगा तो वो डोमिनेंट है उसमें टोंका बीन, सो मुझे थोड़ा थोड़ा टोंका बीन की भी महक आ रही है। सो बहुत ही ज्यादा मस्त फ्रेग्रेंस है, एंड अगर सेंट प्रोफाइल की बात करें तो जेपीजी की मोस्टली जितनी भी फ्रेग्रेंसेज आती हैं वो ऑलमोस्ट ऑल स्वीट होती हैं। लमोल थोड़ा अलग था, दैट वॉज स्वीट बट नॉट टू स्वीट। उसके बाद आप जैसे अल्ट्रा मेल हो गया, लीमा ली एलिक्सिर हो गया, लीमा ली परफ्यूम हो गया, या लीबो ली परफ्यूम या लीबो हो गया, ये लोग कंप्लीटली स्वीट कैटेगरी में आते हैं। तो आप डेफिनेटली जब भी जेपीजी की फ्रेग्रेंस ले रहे हो तो आप इतने दिमाग में रखिएगा कि ये फ्रेग्रेंस स्वीट कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, एंड इंडीड अगर दूर से महके तो बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव, बहुत ही ज्यादा अपीलिंग एंड स्वीट सी सेंट है। इसमें कहीं ना कहीं जरा सा जेपीजी का डीएनए आपको देखने को मिलेगा, जो हर जेपीजी में आपको देखने को मिलता है वो लेवेंडर वाला, बट उतना खुल के नहीं है। जो डोमिनेंट नोट है वो वही पाइनएप्पल है, आयरिस है, कोकोनट है, एंड टोंका बीन है। सो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, स्वीट है, एंड बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव है, एंड अगर कोई भी इसको महकेगा तो डेफिनेटली फर्स्ट स्प्रे में ही उसको ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगी। एंड बात करते हैं इस फ्रेग्रेंस की प्राइसिंग की, सबसे पहले तो ये फ्रेग्रेंस जो मेरे हाथ में है ये इसका प्राइस है 75 मिलीलीटर वेरिएंट, मैंने इसको पारकोस से लिया था समवेयर अराउंड 6000 समथिंग रुपीज का। एंड आप एक बार इस फ्रेग्रेंस को जरूर ट्राई करिएगा, एंड अगर आपको फ्रेग्रेंस पसंद आती है तो आई वुड रिकमेंड कि आप 75ml की जगह 125ml वेरिएंट लो, क्योंकि वो और भी ज्यादा पैसा वसूल डील है। एंड बात करें इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बात करते हैं इस फ्रेग्रेंस के प्रोफाइल के बारे में, तो इस फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल है आपको रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल है, स्वीट सा, फ्रूटी सा, साथ ही साथ आपको कोकोनट का वो जो लीबो वाला आपको एसेंस है वो देखने को मिलेगा, एंड इसमें थोड़ा सा लीमाल का टच देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पीछे। टोंका है, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। अगर बात करें इसका टॉप नोट सबसे ज्यादा अमेजिंग है, पाइनएप्पल प्लस कोकोनट मिक्स्ड विद आयरिस। एंड बात करें किस टाइप की फ्रेग्रेंस है, तो डेफिनेटली इवनिंग वेयर की फ्रेग्रेंस है। दिस इज स्वीट, दिस इज लाउड, तो डेफिनेटली डेटिंग काइंड ऑफ ओकेजन के लिए, या तो आप क्लबिंग काइंड ऑफ ओकेजन के लिए, या तो आप पार्टीज वगैरह में जा रहे हो, या तो कोई फंक्शन है, उस वक्त के लिए फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा सूटेड है। ये कंप्लीटली कैजुअल साइड में आती है, तो डेफिनेटली ऑफिस वेयर के लिए एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा। दिस इज स्वीट फ्रेग्रेंस, अपार्ट फ्रॉम ऑफिस हर ओकेजन के लिए जबरदस्त है। आप नाइट आउट करते हो, आप कहीं बाहर जाते हो, या स्पेशली डेटिंग काइंड ऑफ ओकेजन के लिए जहां पे पहले ही पहला इंप्रेशन बनाना है, ये फ्रेग्रेंस बहुत ही जबरदस्त है। इसका जो धीरे धीरे जब सेटल हो गए, जो आपको पाइनएप्पल के बाद एम्बर टोंका देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही जबरदस्त मैजिकल है। रूम फ्लेयर फ्रेग्रेंस है, डेफिनेटली आप इसको मैं स्प्रेस बोलूं तो 4 से 5 स्प्रे करिए, पल्स पॉइंट पे करिए, एक दो कपड़े पे कर लीजिए, डेफिनेटली ये रूम फिलर फ्रेग्रेंस है। आप जब इसको लगा के कहीं पे भी जाओगे तो डेफिनेटली इतना अच्छा इसका प्रोजेक्शन है कि जहां भी आप एंटर होगे पूरा रूम फिल कर जाएगा। एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्टार्टिंग के 3 से 4 घंटे तक ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही अच्छा पर्सनल बबल क्रिएट करती है। स्टार्टिंग के 2 to 3 घंटा बहुत अच्छा सी आ जाए, आप चलोगे तो पीछे 2-3 फीट तक महकेगा। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक एक पर्सनल बबल रहता है, मतलब आपके 2-3 फीट तक जो भी लोग आएंगे उन लोगों को एक बार में अचानक से लाउड तरीके से फ्रेग्रेंस आपको महकेगी। एंड उसके बाद आफ्टर 6-7 आवर्स ये फ्रेग्रेंस क्लोज टू स्किन हो जाती है, तो जो आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में आएंगे उनको ये महकेगी। बट हाँ, ये फ्रेग्रेंस का प्रेजेंस आपको 12 घंटे के बाद भी देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के 2 घंटे तक बहुत बिंदास प्रोजेक्शन है, मैं मारूंगा लिटरली बगल वाले रूम तक महकेगा, एंड 3-4 घंटे तक आप टेबल पे बैठोगे तो अगल बगल सबको महकेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में जेपीजी पे कोई डाउट नहीं करना है, प्रोजेक्शन के मामले में भी जेपीजी पे कोई डाउट नहीं करना है, एक नंबर फ्रेग्रेंस है, हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस है, परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा है, एंड क्वालिटी ऑफ द जूस, जो क्वालिटी, जो टाइप ऑफ
फ्रेग्रेंस ही है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, ईडीबी इंटेंस वर्जन है इस फ्रेग्रेंस का, तो परफॉर्मेंस का कोई फिक्र नहीं है। एंड अगर बात करूं इस फ्रेग्रेंस की रेटिंग की, तो मैं इसको रेट करूंगा 9 out of 10, एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है पर्सनली। पहले मैं अब तक जेपीजी अल्ट्रा मेल यूज करते आ रहा था, मैंने बीच में लिमाल एलिक्सिर भी लिया था, पर मुझे वो उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। लिमाल ली परफ्यूम भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट मुझे लिमाल ली परफ्यूम से एक कदम आगे ये फ्रेग्रेंस लगी, काफी मॉडर्न है, काफी जबरदस्त है। एंड हाँ, दिस इज कंप्लीटली अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस, तो ब्लाइंड भाई आप आराम से कर सकते हैं, भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। सो ये था एक छोटा सा रिव्यू मेरा जॉपो गोटियर लीबॉ ली परफ्यूम का, एंड ऐसे ही मिलेंगे एक और नई फ्रेग्रेंस की रिव्यू में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, एंड अगर आपने फ्रेग्रेंस ट्राई किया तो जरूर से बताएगा आपको कैसी लगी, एंड आपके पास अगर ये फ्रेग्रेंस है तो आप इसको कितना रेट करते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।